महाराष्ट्र के नागपुर में तेंदुए ने 3 हिरन 5 चीतल को मौत के घाट उतारा। वन प्राणी के बचाव में हो रही मौत। महाराष्ट्र के नागपुर मध्य भारत सबसे बड़े वन्य प्राणियों के बचाव केंद्र है। गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में पिंजरे में घुसकर तेंदुए ने 5 चीतल तथा 3 इंडियन ब्लैक बक प्रजाति के हिरण का शिकार किया। शिकार हुए यह जानवर दूसरे इलाकों से बचाव कर इलाज के उपरांत रेस्क्यू सेंटर के पिंजरे में रखे गए थे। लगभग 12 फुट ऊंचे पिंजरे को फांद कर तेंदुए ने सभी जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। FDCM द्वारा चलाए जा रहे कोरेवाड़ा जंगल सफारी तथा रेस्क्यू सेंटर की सुरक्षा पर खड़े हुए सवालिया निशान। आपको बता दें कि इस जगह पर इतनी बड़ी लापरवाही देखी गई है, तो बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी, जब महाराष्ट्र का सबसे रेस्क्यू सेंटर माना जाता है और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। बावजूद उनके एक तेंदुए ने सभी जानवरों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया और वहां मौजूद किसी को पता तक नहीं चला। दिसंबर 2015 से गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत हुई। उसके बाद 14-15 अप्रैल 2016 यानी 4 महीने बाद बीबट ने लेपर्ड ने ऐसे ही डियर केज वन के कराल में आके 3 ब्लैक बक को मारा था। उसके बाद हमने जो ब्लैक जो हर्बिवर है वो जानवर को बाहर छोड़ना कराल में छोड़ना बंद कर दिया था और अंदर ही नाइट शेल्टर में ही उनको रख रहे थे। लेकिन उनके वो उनके अच्छे लाइफ के लिए उनको नैसर्गिक परिवास मिले इसके लिए हमने जनवरी 2019 में वो ओपन जो क्राल था उसको हमने सोलर फेंसिंग लगाई। सोलर फेंसिंग और पिछले 20 दिन से सोलर फेंसिंग के अंदर जो हर्बिवोर थे वो अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कल रात को ये घटना हुई जिसमें लेपर्ड ने सोलर फेंसिंग ब्रिज करके या तो वो कोई बीच में गैप से अंदर आया या तो बड़ी छलांग लगा के अंदर आया। उसने ये क्राल में जो थे उसमें से 5 चीतल 3 ब्लैक बक और 1 चौसिंगा को मारा। ये हमको सुबह ध्यान में आया और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये इसमें जो हमारा फेंसिंग है उसमें कहाँ कुछ गलती है, वो हम जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे और फिर से ये सब हरिबोर को ओपन में छोड़ेंगे। धन्यवाद।